नहीं, ये ठीक नहीं है। आप क्या क्या चाहते हैं कि आसन को प्रेशर दे करके अपना बात कहवाना? एक कतई संभव नहीं होगा। मैं बता देता हूं आपको, आप अपना जगह बैठिए बैठिए। जीवेश सिंह जी, आप जो है हमेशा चले आते हैं बेल में। एक चीज, आपके नेता प्रतिपक्ष ने हमसे कहा कि समय दीजिए, मैंने इनको समय दिया, ये कह भी दिए, सरकार ने जवाब भी दे दिया। मैं तरंकित प्रश्न के लिए पुकार रहा हूं और फिर आप अनुसूचित पर ही बैठे हुए। माननीय सदस्य श्री राम सिंह जी अपना प्रश्न पूछें, ये व्यवस्था नहीं है। आपके नेता प्रतिपक्ष बोले, इनको मैंने बुलवा भी दिया। पहला मंत्री आगे बढ़ गया है, पहला मंत्री से नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। पहले माननीय मंत्री से ये नियम में कहीं व्यवस्था नहीं है। क्या क्या आप क्या आप बेल से अपने सीट पर जाइए, अपने सीट पर जाइए। देखिए, ये परंपरा बिल्कुल गलत है। नहीं, ये ठीक नहीं है। आप क्या क्या चाहते हैं कि आसन को प्रेशर दे करके अपना बात कहवाना? एक कतई संभव नहीं होगा। मैं बता देता हूं आपको, आप अपना जगह बैठिए बैठिए। जीवेश सिंह जी, आप जो है हमेशा चले आते हैं बेल में। एक चीज, आपके नेता प्रतिपक्ष ने हमसे कहा कि समय दीजिए, मैंने इनको समय दिया, ये कह भी दिए, सरकार ने जवाब भी दे दिया। मैं तरंकित प्रश्न के लिए पुकार रहा हूं और फिर आप अनुसूचित पर ही बैठे हुए हैं। आप बैठिएगा, अच्छा आप बैठ जाइए बैठ जाइए। आसन जो है नियम कानून से चलाएगा, किसी के दबाव में आसन आने वाला नहीं है। नो, नियम कानून से चलेगा और सत्ता विपक्ष दोनों को साथ लेकर के चलेगा, लेकिन सही तरीके से आप मामले को उठाइए तब। आप शांति बनाए रखिए। माइक पर आवाज। महोदय, भूमि राजस्व विभाग का मामला से पूरा किसान और आम लोग ग्रसित है। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि इतना वसूली रोक करके, वसूली की एक बड़ी प्रक्रिया होती है माननीय मंत्री जी, आप टाइम बाउंड करेंगे कि कितने समय में ये उसका निपटारा करेंगे कोई भी मामले का? मैं मंत्री को भी इजाजत नहीं देता हूं। इन्होंने कह दिया, मंत्री जी आप नोटिस ले लीजिए और इसको आप दिखलवा लीजिएगा। ये तो बचाने वाली बात हो गई। नहीं, कहा है आपने तो जो कहा। श्री राम सिंह, माननीय सदस्य, आप पूरा पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक तो जवाब सही नहीं है, उत्तर सही नहीं आता है और दूसरे आसन से नाम बाबू आसन पर आप बैठिए। माननीय करके प्रॉक्सी ना। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक नहीं है, आप पुराने मंत्री रहे हुए हैं। नहीं नहीं, आप यहाँ क्यों चले आते हैं? देखिए माननीय सदस्य के जो गंभीरता और गरिमा है और सदन की गरिमा है उसको बरकरार रखिए। आप अपने आसन से वहां नहीं जा सकते हैं। आप बचिए श्री राम सिंह जी, आप पूरा पूछिए। जीवेश बाबू आप स्थान। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्थान। एक तो जवाब का सही उत्तर नहीं आता है और दूसरा आसन से नाम भी गलती पुकारा जाता है, और एक बार नहीं तीन तीन चार चार बार राम सिंह जगह में राम रतन सिंह। इस स्थिति में विरोधी दल क्या कर सकता है? मैंने राम सिंह नहीं, राम रतन जी बोला है। आप निकाल कर देख लीजिए, मैं आप आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन एक हो गया। आप अपना पूरक तो पूछिए, राम सिंह है, राम रतन सिंह में क्यों नहीं अंतर है? अंतर है भाई साहब, राम रतन सिंह उधर है, राम सिंह यहाँ है। मुझे खूब जानकारी है, मैं पूरक पूछता हूँ।
ऊंट सड़क निर्माण में नाली का प्रावधान 4 फीट का किया गया था। ऊंट पैंग लगभग 18 फीट चौड़ी है। सड़क एवं नाली नहीं बनने से बरसात के दिनों में काफी घरों से में जल जमाव की समस्या हो जाती है। ऊंट पैंग पर सड़क निर्माण एवं नाली बनाने से बरसात के दिनों में होने वाले जल जमाव की आम जनमानस को काफी परेशानी होती है। ऊंट पैंग का उद्गम आप पूरक तो पूछिए। पूरक पूछ रहा हूँ। वो ये पूरक होता है। पूरक नहीं होता तो क्या होता है? पूरक होता है। आपका उत्तर गलती आया है। पूछिए।